हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बख्शी। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 से 4 महीने तक के बच्चों की, जिनमें कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स या हरकतें नजर आएं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, तो बच्चे को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, जिससे पता लगाया जा सके कि बच्चे को कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है और उसका ट्रीटमेंट बच्चे को टाइम पर मिल पाए। सबसे पहले अगर बच्चा सुस्त हो जाए, सोता रहे, आपके उठाने पर भी ना उठे और दूध भी ना पिए, तो बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर 2 घंटे में हमने बच्चे को उठाकर दूध पिलाना होता है, क्योंकि इस समय बच्चे के शरीर के पोषक तत्वों की कमी माँ के दूध से पूरी होती है। हमने बच्चे को इस समय 6 महीने तक पानी भी नहीं देना होता है। पानी की कमी भी बच्चा माँ के दूध से पूरी करता है। ये पता लगाने के लिए कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही, आप बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखिए। अभी बच्चे की ये जगह बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे तलुआ कहते हैं। अगर ये सिर के लेवल पर नहीं है, इसमें गड्ढा है, तो आप जान लीजिए कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो बच्चे को फौरन डॉक्टर को दिखाएं। बच्चे को एलर्जी हो जाना एक आम बात है, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन ये एलर्जी या रैशेज के साथ पस भरे दाने निकल आए तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये दाने 4 से 5 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 4 या 5 से ज़्यादा हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये पस भरे दाने ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं। इसकी एलर्जी ब्रेन तक भी पहुंच सकती है, जो काफ़ी डेंजरस है। ऐसे ही अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म लगे, तो बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को बुखार आना एक इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे ही बच्चे की बॉडी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी लगे, तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर बच्चा अजीब सी हरकतें करे, जैसे कि एक जगह देख रहा है, लेटे लेटे तो देखता ही जा रहा है, आप उसके आगे हाथ ला रहे हैं और फिर भी वो अपने पलके नहीं झपका रहा है, शरीर को ऐंठ रहा है कसके, मतलब हाथ पैरों को जकड़ रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, दांत पीच रहा है, तो ये बच्चे को दौरे आने के लक्षण भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर बच्चे के शरीर पर नीले काले निशान पड़ गए हैं, या बच्चे का शरीर आपको नीला लग रहा है, तो भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बच्चे का शरीर अगर आपको पीला नज़र आ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों में पीलिया हो जाता है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, जिसे पता लगाया जा सके कि ये पीलिया नॉर्मल ही है या इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। बच्चे की नाभि, मतलब बच्चे की नाल गिरने के बाद अगर उसमें जख्म हो जाए, उसकी स्किन आसपास की रेड हो जाए और उसमें से पस आने लगे, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे जाके लीवर का इन्फेक्शन बन सकता है। ऐसे ही अगर बच्चे की छाती में सोते सोते आवाज़ आ रही हो, और सर सर की आवाज़ हो, बच्चा जरूर से ज़्यादा सांस ले रहा हो, या फिर बच्चा 8 से 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक कर फिर सांस लेता हो, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए, इनमें से कुछ भी अगर आपको अपने बच्चे में नज़र आता है, तो बच्चे को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, जिससे बच्चे को टाइम पर उसका ट्रीटमेंट मिल सके। बच्चे के मामले में आपने बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी एडवाइस पर नहीं जाना है। हो सकता है कि आपको एडवाइस करने वाला ठीक एडवाइस दे रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी एडवाइस हर बार ठीक हो। इसलिए इतने छोटे बच्चों के मामले में आपने बिना कोई देरी करे डॉक्टर को ही दिखाना है, डॉक्टर ही बच्चे का ट्रीटमेंट ठीक तरह करेगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।